लंकेश को जामु माली का प्रणाम। पिताश्री ने मुझे बताया उस वानर के बारे में। जम्बू माली के रहते कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शीघ्र ही उस दुष्ट वानर को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। हाँ जम्बू माली, जाओ और शीघ्र ही उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे चरणों में लाकर डाल दो। दरबार में उसे मुझे नृत्य कराना है। अवश्य लंकेश, ये पिंजरा उसी के लिए है। पिंजरा ही होता है पशुओं के लिए उचित स्थान। और भेजो लंकेश, मैं भी तो देखूं कितने बलवान योद्धा हैं तुम्हारे पास। लंकेश, कितना भी बलवान हो वो वानर, किंतु आज प्रहस्त्र पुत्र जम्बू माली आखेट करेगा उसका। तुम्हें भी पहुंचाता हूं यमलोक। कौन आ गया? कहीं स्वयं यमराज तो नहीं आ गए इस पापी असुर को लेने? यमराज नहीं, ये तो मायावी राक्षस है। अवश्य रावण ने ही भेजा है। इसे भी देखता हूं। को उजाड़ने वाला वो वानर वही है जिसे त्रिजटा ने अपने स्वप्न में पूरी लंका को ध्वस्त करते हुए देखा था,
और उसने ये भी घोषित किया है कि वो आपके स्वामी श्री राम का दूत है। हाँ, ये सत्य है। किंतु सीता, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने उसे बंदी बनाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और महाभयंकर रक्षयोद्धा को भेजा है। वो उस वानर को बंदी बनाने के लिए अपने साथ पिंजरा भी लाया है। पवन पुत्र है, पवन को आज तक कोई कहीं बंदी बना सका नहीं। जो पवन पुत्र को बंदी बनाएगा, हाँ, उनकी स्वयं की इच्छा हुई बंदी होने तो ये हो सकता है। वानर, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने वानर। लंका में प्रवेश करके, और उससे भी बड़ी भूल तुमसे ये हुई है। यहाँ उत्पात मचाया और सबकी दृष्टि में आ गए। ए वानर, बुद्धि मूर्ख, वानरों की भांति उत्पात तो तूने बहुत मचाया। अब यदि मुझसे प्रधान सेनापति प्रहस्त पुत्र परम बलशाली जंबू माली के हाथों से बचना चाहते हो तो स्वयं आके शांति से इस पिंजरे में बंद हो जाओ। इतना भयंकर परिचय देने के लिए तुम्हें धन्यवाद विकराल जंबू माली, किंतु मेरा तो बहुत ही अल्प सा एकमात्र परिचय है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का दूत हूँ और इस तुच्छ वानर को राम दूत कहते हैं और इस राम भक्त को मात्र प्रभु श्री राम जी की भक्ति के पिंजरे में ही बांधा जा सकता है, किसी अन्य पिंजरे में नहीं। सच है, बहुत उत्तंड हो तुम वानर। सो तो मैं हूँ। निहत्थे परवार, तुम राक्षसों से धर्म युद्ध की तो आशा ही नहीं करनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी भुजाओं का बल। अच्छा, देखते हैं कितना बल है तुम्हारी भुजाओं में। जंबू माली के हाथों से।
मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा। प्रभु श्री राम को यहाँ के बारे में अविलंब सब बताना होगा, जिससे कि वो समय रहते यहाँ आकर माता सीता को मुक्त करा सके। अब तू मेरे पैर के प्रहार से नहीं बचेगा। तुम्हारे साथ क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है, परंतु क्या करूं, मेरे पास तो समय बहुत अल्प है ना, इसलिए तुम्हारे जीवन का समय अब जय श्री राम। एक तो छसा वानर दशानन लंकेश की लंका में आकर दशानन लंकेश को ही चुनौती दे रहा है। धैर्य रखे महाबली, कुछ ही क्षणों में मेरा पुत्र जम्बूमाली उस धूर्त वानर को लाकर आपके चरणों में डाल देगा। किंतु हमें तो कुछ और ही आभास हो रहा है। लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य सातों पुत्र भी वहाँ जाएंगे, उनके मायावी शस्त्रों के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूर्त। परंतु मुझे विश्वास है महाराज कि जम्बूमाली अकेले ही उस वानर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जम्बूमाली तो काल की आंखों में भी धूल झोंक कर वापस आ जाता है। महाराज, मुख से वापस आ गया, क्रोध अग्नि से उबल रहा है ये तो। मैं तो तुम्हें जीवित ही पकड़ना चाहता था वानर, किंतु अब अंत निश्चित है तुम्हारा। इतना अधिक समय क्यों लग रहा है उसे? कहां रह गया है जम्बूमाली? जम्बूमाली नहीं, विनाश आएगा लंका में। स्वयं तुमने निमंत्रण दिया है लंकेश, वो विनाश जो एक वानर के रूप में लंका के मध्य में अधिक खड़ा है। लो संभालो मेरा प्रहार।
हम लोग तू वानर जम्बो माली के वार से कोई नहीं बच सकता। प्रणाम माते। प्रणाम राजमाता। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं चेतावनी देने आई हूँ। उस वानर को तुच्छ समझने की भूल मत करना, वो एक बड़ी चुनौती है तुम्हारे लिए। रावण, वो वानर विनाश करने ही नहीं तुमसे तुम्हारी शक्ति छीनने आया है। मेरे इतने भयानक प्रहार से भी बच गया वानर, किंतु अब तुम नहीं बचोगे। होगा तुम्हारा अंत। अब होगा तुम्हारा अंत। माते, प्रतीत होता है कि मंदोदरी ने अपनी शंकाओं का बीज आपके मस्तिष्क में भी बो दिया है। बीज तो तुमने बोया है संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश का, किंतु मैंने तो तुम जैसे तेजस्वी पुत्र के लिए कामना और तपस्या की थी, सारे राक्षस जाति के उत्थान के लिए, किंतु तुमने तो मेरी पूरी तपस्या को धूल धूसरित कर दिया। बस माते बस, कुछ धूल धूसरित नहीं हुआ है, कोई विनाश नहीं होगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में ही है। युद्ध कौशल में निपुण योद्धा नहीं था, रहस्य कुछ समय पूर्व तुम क्या कह रहे थे? लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य सातों पुत्र भी वहां जाएंगे, उनके मायावी शस्त्रों के सामने पल भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूल। रहस्य, लंकेश मेरे पुत्र,
मेरे सातों पुत्र प्रतिशोध लेंगे अपनी भ्राता की मृत्यु का, और यही नहीं उनके साथ 5 युद्ध निपुण सेनापति भी भेजूंगा उनकी सहायता के लिए। अब देखिएगा लंकेश, मेरे पुत्र जम्बू माली के देह के समीप उस वानर का शव क्षत विक्षत होगा। स्वयं मृत्यु के देवता भी कांप उठेंगे। उस महाबली जम्मू माली के भ्राता है हम सातों। लंका के प्रधान सेनापति प्रहस्त के पुत्र हैं हम। जम्बू माली तो नहीं रह जा पाए तुम्हें, किंतु हम तुम्हें इस पिंजरे में अवश्य लेकर जाएंगे। वो भी जीवित नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम तुम्हारे, देंगे हम अपने प्रताशी का। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। रावण अपने निपुण योद्धाओं को भेज रहा है, किंतु मुझे शीघ्र ही अपना उद्देश्य पूर्ण करके प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा। उन्हें और माता सीता को अधिक प्रतीक्षा नहीं करा सकता मैं। बड़े ही भयानक कोड़े लिए हो तुम सब। कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक कोड़ा है। सखा, ओ सात युद्ध निपुण सेनानी, चाही कपी को बंदी बनानी, किंतु कौन शिवांश को बाधे, वज्र सो अंग गदा ले कांधे। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। कौशल जब कपी दिखाई, क्षण में सबको धूर चटाई, बंदी बनाने थे जो आए, हनुमत उनको ही बंदी बनाए। जय जय वीर प्रभु हनुमंता, धर्म के रक्षक पाप के अंता। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सखा,
जय श्री राम। दशानन, यदि ये सब योद्धा भी परास्त होकर आ गए तब तुम किसे भेजोगे? क्योंकि जम्बू माली जैसा महाशक्तिशाली योद्धा को जिसने यहाँ फेंक दिया हो वो क्या नहीं कर सकता है? मुझे संदेह है तुम्हारे योद्धाओं की सफलता पर। माते आप तो अब किसे मरने के लिए भेजना चाहोगे तुम? मैं जाऊंगा वहां। रावण, मुझे आशा है कि अब तुम अपनी सेना के और अधिक बलशाली और अधिक महत्वपूर्ण योद्धाओं को भेजोगे, और यही मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अधिक से अधिक योद्धाओं का संहार करके यहाँ से जाऊं, और जब तक मैं प्रभु श्री राम के साथ लौट कर ना आ जाऊं तब तक तुम और तुम्हारी ये पूरी लंका नगरी हर पल हर घड़ी शंकित और भयभीत रहे। तो भेजो अपने और योद्धाओं को। मैं आपका कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार, मैं वहां जाऊंगा उस धूर्त वानर को दंड देने के लिए। और आप देखिएगा पिताश्री कि कितने शीघ्र वो दंड वानर आपके इन्हीं चरणों में हाथ बंधा पड़ा होगा। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी ये भुजाएं उस वानर को कठोर दंड देने के लिए तड़प रही हैं। रावण, तुम्हारे प्रहरी भट मारे जा चुके हैं, सुभट किंकरों का नाश हो चुका है, अब भेजो किसी महाभट को। तुम महाभट हो, महायोद्धा, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी। स्वामी, मैं आपसे विनती करती हूं, मेरी बात मान लीजिए। अक्ष कुमार को वहां जाने की आज्ञा मत दीजिए। अपने पुत्र को काल के गाल में मत भेजिए। महारानी मंदोदरे, ऐसा मत कीजिए। स्वामी, अक्ष कुमार की आयु तो देखिए, तरुणावस्था ने अभी इसके जीवन में आरंभ ही किया है। इसके जीवन की ज्योति उस वानर रूपी मृत्यु की आंधी को सहन नहीं कर पाएगी। महारानी मंदोदरे, अनेक वीर रक्ष योद्धाओं को जन्म देने के पश्चात ही आप अपने पुत्र को कायरता का पाठ पढ़ा रही हैं। शोभा नहीं देता है आपको। ये हमारे पुत्र के मस्तक पर तिलक लगाइए और भेज दो अपने पुत्र को मृत्यु के मुख में। माते,
ये क्या कह रही हैं आप? तीन लोगों पर रक्ष परचम फहराने का आपका वो स्वप्न इस प्रकार पूरा होगा? भला लंकेश की माता कब से भयभीत होने लग गई? जब से तुम्हारी दृष्टि में राक्षसों का हित गौड़ हो गया है और तुम्हारा निजी सुख सर्वप्रिय हो गया है। इसी का परिणाम है कि वो एक वानर जो अवश्य ही सीता के पति का दूत है तुम्हारे समक्ष एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। बस! वन वन भटकने वाला वो साधारण नर उसकी सहायता भला ये महाबली मायावी वानर क्यों करेगा? उसे अवश्य ही देवताओं ने भेजा है इसे बंदी बनाकर दंडित करना ही होगा। अक्ष कुमार मेरे पुत्र जाओ और जाकर उस धूर्त वानर को पेड़ियां बांध कर यहां लेकर आओ। ये तुम्हारे पिता का आदेश है। पिता का आदेश है। क्या हुआ त्रिजता, तुमने फिर से कोई स्वप्न देखा क्या? स्वप्न तो नहीं अन्ना, हाँ कुछ आभास हो रहा है। आभास? तुम तो कैसा आभास? प्रतीत हो रहा है कि लंकेश वानर को पकड़ने के लिए किसी महत्वपूर्ण एवं महाबली योद्धा को भेजने वाले हैं। जब तक कोई और महाभट योद्धा ना आए तब तक क्यों ना इन रसीले फलों को खाकर मैं अपनी क्षुधा ही शांत कर लूं। प्रतीत हो रहा है इस बार कुछ अत्यधिक ही विचार विमर्श किया जा रहा है, इसीलिए इतना विलंब हो रहा है। अच्छा है, कोई महाभट योद्धा आएगा तो युद्ध करने का भी कुछ आनंद आएगा। चाहे कोई भी योद्धा क्यों ना आ जाए किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो महाबली वानर उसे भी परास्त कर देगा। जैसे विकराल जम्बू माली सेनापति प्रहस्त के आठों पुत्र और लंका के अनेकों सेनापति उस वानर के प्रहार के सामने धराशाही हो गए हैं। श्री राम दूत हनुमान यहाँ से जाने से पूर्व उस राक्षस राज रावण को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम की शक्ति का आभास भली भांति करा देना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा होगी पिताश्री वैसा ही होगा। आप देखिएगा कैसे मैं उस धूर्त वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए घोड़े मारते हुए आपके इन्हीं चरणों में लाके पटक दूंगा और पूरी लंका ये देखेगी यदि लंकेश के विरुद्ध कोई शीश उठाता है तो उनका ये पुत्र अक्ष कुमार उनकी क्या दुर्दशा करता है। वाह पुत्र अक्ष कुमार वाह, देखा मंदोदरी, ऐसा कहते हैं
महाबले पिता का महावीर पुत्र। अब आप भी वीर माता बन जाएं, तिलक लगाएं हमारे पुत्र को। क्यों कांप रहे हैं? अपना मात्र धर्म निभाइए, लंका की महारानी हमारी पटरानी, अपना कर्तव्य पूर्ण करिए, अन्यथा हम अभी के अभी आपको त्याग देंगे। अशोक वाटिका के फल तो बड़े ही रसीले हैं। कुछ अधिक ही विलंब हो गया, कोई रक्ष योद्धा नहीं आया अभी तक। ये ध्वनि Mm-hmm.
प्रभु श्री राम, रक्षा कीजिए अपने दूत। हनुमान हनुमान उठो हनुमान, उठो हनुमान, उठो हनुमान। ये है वो उद्दंड वानर, मेरे महाघातक बाणों के प्रहार से भी बच गया है ये। तो इसने मुझ पर प्रहार किया था, ये तरुणावस्था। अवश्य ही ये लंका का कोई राजकुमार है। उस वानर के पार्श्व में देवताओं की शक्ति कार्य कर रही है। कहीं अक्ष कुमार की भी नहीं? नहीं, अक्ष कुमार महाभट वीर योद्धा है। ना जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। सावधान वानर, मुझे कोई साधारण योद्धा समझने की भूल मत कर लेना। अक्ष कुमार हूं मैं, लंकेश, महाराज रावण का कनिष्ठ पुत्र अक्ष कुमार। जिसके बाण कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकते। मेरे प्रचंड क्रोध का सामना तुम नहीं कर पाओगे वानर। तो मेरी युक्ति सफल हो रही है। अंततः रावण ने अपने पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजना आरंभ कर दिया है। समय आ गया है, शीघ्र अतिशीघ्र अपना मुख्य प्रयोजन सिद्ध करना होगा मुझे। सखा, मेरी गदा कहाँ है? होती क्या है?
संभालो मेरे प्रचंड बाणों के प्रहार को वानर। अच्छा, तो इन मायावी प्रेतों से भयभीत करना चाहते हो तुम मुझे? अब देखो इन प्रेतों का क्या हाल करता हूं। मेरे बाणों के प्रहार से तो तुम बच गए वानर, परंतु मेरे मायावी प्रहार से अब तुम नहीं बचोगे। चलाए हुए अस्त्र पर केंद्रित है। इस अस्त्र की ओर जब तक इसका ध्यान जाएगा, तब तक तो इस वानर का अंत हो ही जाएगा। मेरा ध्यान भटकाने का प्रयास, मुझसे चतुराई। अब देखो अक्ष कुमार, तुम्हारा प्रहार कैसे विफल करता हूं मैं। आनंद आया युद्ध करने का। रावण ने अब एक अच्छा योद्धा भेजा है जो शक्ति के साथ बुद्धि से भी कार्य करता है। मेरे प्रहारों को विफल कर देना किसी साधारण वानर के वश से बाहर है। पिताश्री का अनुमान सत्य है कि इस वानर को देवताओं ने शक्तियां देकर यहाँ भेजा है। इस पर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना होगा, अन्यथा यह संकट बन सकता है मेरे लिए।
अश्वो, इस वानर के चारों ओर तीव्र गति से घूमो। अब देखता हूं इस त्वरित गति के वार से कैसे बचते हो तुम। अब ये क्या कर रहा है? ओ अच्छे कुमार हनुमत लाई, अनगिन बाण से चक्र बनाई। सुई कपी पल भर अचरज अच्छ कुमार यह देखा। ये लो वानर, दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार, बाणों का भवंडर है ये, इसमें फंस कर तेरा अंत हो जाएगा वानर। सुना राजकुमार अक्ष ने उस वानर को अपने तीव्र बाणों के भवंडर में घेर लिया है। त्रिजटा, तुमने तो कहा था कि वो पूरे लंका का विनाश करेगा, किंतु मुझे उसका ही विनाश दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बाणों के ऐसे मृत्यु चक्र में फंसने जा रहा है वो वानर, जहां से उसके बचने का कोई मार्ग नहीं। अब तुम्हारी सारी आशाएं समाप्त मिथिला कुमारी, क्योंकि अखेट करेंगे हमारे राजकुमार उस वानर का। समाप्त हो जाएगा वो वानर, और तुम्हारी सूचना तुम्हारे पति को देने वाला अब कोई नहीं बचेगा। जो स्वयं प्रभु श्री राम के बाण की त्वरित गति के समान यहाँ आए हैं, अक्ष कुमार के तीव्र बाण उनका क्या हित कर पाएंगे? दुस्साहसी वानर, तुम मेरे बाणों के मकर जाल में फंस चुके हो। देखा तुमने लंकेश पुत्र अक्ष कुमार के बाणों का प्रहार, राक्षसी शक्ति का प्रहार। दुष्ट जन कितनी भी शक्ति का प्रयोग क्यों न कर ले, भक्ति भाव से प्रभु श्री राम नाम का स्मरण करने वाले को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। जय श्री राम। प्रत्येक विपत्ति का एक ही मंत्र, जय श्री राम। असंभव, वायु वेग से गतिमान मेरे बाणों के अभेद चक्र को खंडित कर दिया इसने। कौन है ये विलक्षण वानर? जय श्री राम।
यही शक्ति बस सली मायावी अत्यंत वानर। अब देखता हूँ कि तुम मेरे घातक अस्त्र से अपना बचाव कैसे करते हो। इस युद्ध में हनुमान को क्रीड़ा का आनंद आ रहा है। अब देखता हूं ये राक्षस योद्धा क्या करता है। मुझे इससे बचना होगा। इस घातक अस्त्र से भी बच गया। भयंकर अस्त्र तो माता सीता की ओर बढ़ रहा है। संकट का आभास माता सीता के कोमल हृदय को अकारण ही वेदना पहुंचाएगा। उनको ज्ञात हुए बिना ही मुझे इस प्रक्षेपास्त्र को उन तक पहुंचने से रोकना होगा। हनुमान अपने शरीर से बाधित कर रोकेगा इस अस्त्र को। उस वाटिका में बंधी स्त्री को बचाने के लिए इतना अधिक चिंतित है कि उसकी रक्षा हेतु मेरे मारक प्रक्षेपास्त्र से टकराकर उसे स्वयं के भी प्राण गंवाने की कोई चिंता नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे इसे रोकना ही होगा, अन्यथा ये मेरा कार्य पूर्ण नहीं होने देगा। और अब मुझे इसे पराजित करने के लिए
और भी अधिक प्रभावी अस्त्रों का प्रयोग करना ही होगा। समान वेग से मेरी ओर ही आ रहा है। इस पर वज्रवार का प्रहार करता हूं। तुम बहुत ही पराक्रमी योद्धा हो अक्ष कुमार, परंतु श्री राम भक्त को रोकने का सामर्थ्य तुम में नहीं है। मेरे वज्रों को छिन्न भिन्न कर दिया इसने तो। हमें पूरा विश्वास है कि किसी भी क्षण हमारा शूरवीर पुत्र आकर हमें वो सूचना देगा कि उसने विजय प्राप्त की है उस धूर्त वानर पर। उसकी आयु ही कितनी है अभी, एक किशोर के समान ही तो है वो। कहीं वो मायावी वानर मेरे पुत्र अक्ष को कोई क्षति ना पहुंचा दे। चलता तो इसी समय छलांग मारकर लंका पहुंच जाता। जाने किस स्थिति में होंगे वीर हनुमान। कहीं मित्र हनुमान किसी विपदा में तो नहीं फंस गए? युवराज, मित्र हनुमान जिस गति से लंका की ओर गए थे उस गति से तो उन्हें अब तक लौट आना था। चिंता मत करो तुम सब, मैं हनुमान को भली भांति जानता हूं, उसने अपना कार्य तो कर ही लिया होगा। किंतु भविष्य का कार्य भी सुगम बनाकर ही लौटेगा वो, इसीलिए विलंब हो रहा है उसे। ये तो मेरी ओर आ रहा है, इसके प्रहार से मुझे बचना होगा। बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा वानर, और मुझे ये भी ज्ञात हो गया है कि तुम्हारे हृदय में उस बंदी स्त्री के लिए अपार स्नेह और आस्था है, और उसी के लिए तो तुम लंका में आए हो। किंतु अब मैं उस स्त्री को अपनी ठाल बनाकर और तुमसे युद्ध करके तुम्हें परास्त करूंगा। असंभव, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम कितना भी प्रयत्न कर लो मुझे नहीं रोक पाओगे वानर। अब देखता हूं कि तुम किसे रोकते हो, मुझे या इस खड़क को।
यदि ये खड़क मुझसे पूर्व अपने लक्ष्य तक पहुंच गया तो उसका अंत होगा। यदि तुम इस खड़क को रोकने में सफल हो गए तो मैं स्वयं उस स्त्री के पास पहुंचकर उसे अपनी ढाल बना लूंगा और सर्वप्रथम मैं तुम्हारा अंत करूंगा और फिर उस स्त्री को भी काल का ग्रास बना दूंगा। त्रुटि मेरी है, मैं ही भूल गया था कि जिसे मैं किशोर समझकर जीवन दान दे रहा था वो है तो एक राक्षस ही। अब मुझे रोक कर दिखाओ वानर। हनुमान को इसे और इसके खड़क दोनों को ही माता सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। किस विचार में खोए हो वानर? आओ रोको मुझे, रोको! और समय नहीं है मेरे पास, मुझे इस खड़क को रोकने के लिए अति शीघ्र कुछ करना होगा। ज्ञात नहीं कि मेरा सुकोमल पुत्र किस अवस्था में होगा, कैसे उस महाशक्तिशाली दिव्य वानर से युद्ध कर रहा होगा। इतना दुस्साहस भी कैसे किया तुमने अक्ष कुमार? माता जानकी को क्षति पहुंचाने का कुविचार भी कैसे आया तुम्हारे मस्तिष्क में? ये अक्षम्य कृत्य किया है तुमने राक्षस कुमार। माता सीता पर वार कर तुमने मुझे तुम्हारा घात करने पर बाध्य कर दिया है। दुस्साहसी वानर उत्तंडी, तुम्हारा इतना साहस! सर्वप्रथम तो तुम लंका में घुसा है और हमारी सुंदर वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, और अब तुम लंकेश पुत्र अक्ष कुमार को भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। अब जब तक मैं तुम्हारा और तुम्हारी इस माता के प्राणों का अंत नहीं कर दूंगा, शांत नहीं बैठूंगा।
तुमने स्वयं अपने काल को आमंत्रित किया है राक्षस कुमार, अब मेरी माता का नहीं तुम्हारा अंत होगा। क्यों खंडित हो रहा है? ये कैसा अशुभ संकेत है? हमारे सैनिक राजकुमार अक्ष कुमार के शरीर के इन्हीं अंगों को एकत्रित कर पाए, कुछ अंग तो अभी भी नहीं मिले हैं महाराज। उस वानर ने बड़ी निर्ममता के साथ इनके शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में। मंदोदरी, अपने शोक पर नियंत्रण पाओ, अपने हृदय के दुख को शांत करो। कैसे माता, कैसे अपने हृदय को शांत करेंगे माँ? मेरा पुत्र जिसको मैंने इतने स्नेह से पाला था, उसे काल ने इतनी निर्दयता से असमय मुझसे छीन लिया। आप ही बताइए माता, फिर क्यों ना विलाप करें ये माँ? सत्य कहती हो पुत्री, संभव है जिस स्थिति में आज तुम हो कल वो मेरी स्थिति हो,
उसने अपने पुत्र को निसंकोच उसके मरण हेतु भेज दिया हो, संभव है कल उसकी मृत्यु अपना दल बल लेकर लंका के द्वार पर उपस्थित हो जाए। से मेरे पुत्र को आपने नाथ, दे दी ना उसकी आहुति, मिल गई अब आपके हृदय को शांति। कितनी विनती की थी हमने तुमसे कि मत भेजो अपने पुत्र को उस वानर के पास, अपने क्रोध को वश में कर शांति स्थापित करो, परंतु तुम, अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है रावण। अब कहो, अब क्या करने जा रहे हो तुम? प्रहस्त, हमारे शूरवीर पुत्र का, हमारे कनिष्ठ पुत्र का अंतिम संस्कार की उचित व्यवस्था करो। जी महाराज। अक्षय कुमार का कोई बाण कहीं माता के निकट तो नहीं पहुंच गया? कहीं माता को तो कोई हानि नहीं पहुंची है? सब सुख ना है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक। प्रभु के आशीष से माता पूर्ण सुरक्षित हैं। अक्ष का कोई बाण उन तक नहीं पहुंच सका। माता, अपने इस पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य को अति शीघ्र पूर्ण कर अपने प्रभु श्री राम के निकट जा पहुंचूं और आपकी सूचना दे सकूं। शंका शेष नहीं रही हनुमान के मन में। इस बार जब रावण अपने किसी भी योद्धा को भेजेगा तो हनुमान को अपने पूर्ण बल का प्रयोग करना होगा, जिससे कि माता सीता को क्षति पहुंचने की कोई संभावना ही ना रहे। जय श्री राम। चक्र को तो कोई नहीं रोक सकता, गए हुए प्राण वापस नहीं लौटाए जा सकते। जो बीत गई सो बात गई नाथ, परंतु अपने वर्तमान के कर्मों से हम एक सुखद भविष्य का निर्माण अवश्य कर सकते हैं। धैर्य पूर्वक सुविचार कीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए स्वामी, आगे घटने वाली दुखद घटनाओं को रोक लीजिए नाथ। हाँ पुत्र रावण, इस प्रकार अपने हट के कारण अपने परिवार के साथ समूची राक्षस जाति को क्षतिग्रस्त मत होने दो पुत्र। अब आगे जो भी करो सोच विचार के पश्चात करो। जी हाँ माता, अब जो भी करूँगा सोच विचार करके ही अपनी भूल को सुधारूंगा। अर्थात आप देवी सीता को उनके पति के पास वापस भेजूंगा? अवश्य भेजूंगा, परंतु उस सीता को नहीं भेजूंगा तो अपने परम पराक्रमी महाबली पुत्र मेघनाथ को भेजूंगा।
उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए, उस दुष्ट वानर को दंडित करने के लिए। अहंकार में किए गए भूल से मिले दंड से सचेत होना चाहिए, अन्यथा परिणाम और भी भयंकर भुगतना पड़ सकता है।